वेलकम टू माय चैनल एस के नॉलेज क्लास। आज के इस वीडियो में सीखेंगे हम संकेंद्रीय वृत्त से संबंधित कुछ सवाल। जैसे कि दिया है क्वेश्चन, दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 cm और 3 cm है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात करें जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। यानी कि एक बड़ा वृत्त है और छोटा वृत्त है, संकेंद्रीय वृत्त जिसको कहते हैं। एक का त्रिज्या 3 cm है, एक का त्रिज्या 5 cm है। इस बड़े वृत्त की जीवा जो है यहाँ से यहाँ तक छोटे वृत्त को देखिए स्पर्श करता है। इस जीवा की लंबाई हमको ज्ञात करने का रहा है, यानी कि पी क्यू की लंबाई ज्ञात करने का रहा है। हम वृत्त बना लिए हैं, इस पर सब बैठा दिए हैं त्रिज्या, ठीक ना। हमको क्या कर रहा है ज्ञात करने, पी क्यू की लंबाई। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबा के ऑल कर लीजिए। देखिए यहाँ जो स्पर्श कर रहा है, जहाँ पर स्पर्श करता है वहाँ कितना डिग्री कोण बनता है, 90 डिग्री का, यानी समकोण बनता है। जब समकोण बना यहाँ तो ये देखिए कि ये एक टाइप से कर्ण बन रहा है, लंब बन रहा है और आधार बन रहा है, ठीक ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक। तो पाइथागोरस प्रमेय का क्या होता है सूत्र, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक। यहां पर देखिए हमको कर्ण क्या दिखा रहा है, ये अगर ऐसे समकोण है तो ये क्या हुआ आधार, ये हुआ लंब, ये हुआ कर्ण। तो कर्ण क्या हो गया, PO, यानी कि पी ओ स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, यानी कि पी आर स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। आधार क्या हो गया आर ओ का स्क्वायर, ठीक। तो पी ओ का स्क्वायर, पी ओ कितना दिया हमको 5, यानी कि 5 का स्क्वायर बराबर पी आर तो नहीं दिया है, यही निकालना है। पी आर का स्क्वायर प्लस आर ओ का स्क्वायर कितना है, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर 25 बराबर पी आर स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। जब हम पी आर स्क्वायर बराबर निकालेंगे तो 25 में जाके 9 घट जाएगा, क्योंकि प्लस है तो माइनस हो जाएगा। यानी कि पी आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, 16। जब पी आर बराबर निकालेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो 16 पर क्या हो जाएगा, रूट, यानी कि कितना निकल गया चार। अब 4 हमको पी आर मालूम हुआ है, पी आर यानी कि यहाँ से यहाँ, तो हमको ये पूरा निकालना है ना, पी क्यू की लंबाई लिखेंगे, पी क्यू बराबर, तो क्या हो जाएगा, जितना पी आर का लंबाई होगा उतने आर क्यू का लंबाई हो जाएगा। यानी कि उसको लिख सकते हैं 2 गुना पी आर, जितना इसका लंबाई होगा उतना इसका भी लंबाई होगा। तो पी क्यू बराबर आ गया 2 गुना पी आर, कितना आया है 4, यानी कि 4 × 8 cm आंसर हो गया, 8 cm आंसर हो गया। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो और घंटी को दबा के ऑल कर दें।